नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज भी। हम आज इस मुद्दे पे बात करेंगे जहां योगी सरकार के राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर एक नारा लगाती बीजेपी सरकार है, वहीं बीजेपी के विधायक एक महिला पत्रकार के साथ में बदसलूकी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जी हम बात कर रहे हैं वह विधायक की, सत्ताधारी भाजपा विधायक पक्ष लीला सिंह के गुर्गों ने उनके टिकट कटने की खबर को ग्रुप में शेयर करने के बाद दलित महिला मीडिया कर्मी को गंदी गंदी अभद्र व्यवहार कर फोन पर दी जान से मारने की धमकी, उसका हुआ वीडियो वायरल। देखिए खबरें आज भी के लिए उत्तर प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में भाजपा सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन को भाजपा ही विधायक को समर्थन पलिता लगाते दिखाई दे रहे हैं, वहीं एक दलित महिला पत्रकार को गंदी गंदी गाली देते हुए धमकी दी जा रही है और दबंग महिला ने से कहा कि ये वह विधायक जी के खिलाफ कुछ भी छापा तो देख लेने की धमकी और कहा विधायक से मत बिगाड़ो नहीं तो पत्रकारिता भूल जाओगी। इसी का ऑडियो दलित महिला पत्रकार को दमक समर्थन दे रहा है और मां बहन की गाली दे रहा है। जब पीड़िता महिला मीडिया कर्मी आरोपी के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट करने के लिए पहुंची तो उसकी तरफ से रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। सत्ताधारी विधायक के दबंग गुर्गे को थाने पर ही पूर्ण दबदबा कायम रहता है। योगी जी अपने ही नेता को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान को पलिता लगाते सुनेंगे आप। अब देखना है कि क्या इस देश के चौथे स्तंभ पर दबाव बनाने के कायम होगा बौ विधायक का दबंग गुर्गा। बौ विधायक पक्ष लीला के खिलाफ कुछ भी लिखने पर गलतियां देते हुए दलित महिला कर्मी को उनके गुर्गों ने जान से दी मारने की धमकी। बा विधायक के खिलाफ की चलाने पर बौखलाया विधायक का दबंग गुर्गा। हाल में हुए बवाल में भी आधा दर्जन से अधिक पत्रकारों पर बा विधायक के गुर्गों ने लिखवाया लोगों पर मुकदमा। अब स्थानीय मीडिया कर्मी में भारी रोष व्यक्त है। अब पुलिस कप्तान आगरा से मिलेंगे मीडिया कर्मी का प्रतिमंडल। आखिर बा विधायक के गुर्गों ने मीडिया को प्रति क्यों इतनी है बौखलाहट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ गाली देने का वीडियो, क्या है ये पूरा मामला, सुनते हैं पीड़िता के जुबानी। गाली मंद समझ में आई भी ना तो? हाँ तो मामे ऐसा मारा था मारा इंसान को मामा डर करो जाओ में। तो तुम गाली क्यों दे रहे हो बेंचो तो गाली क्यों दे रहे हो तुम कहाँ डर रही हो दे रहे हो तुम जब बताओ पहले मैंने तुमसे गाली क्यों डर रही हूँ उसमें गाली क्यों दे रहे हो मुझे ये बताओ पहले तुम मारा साहब एक मामे हो ग्रुप में ना आती पहले जी बताओ गाली क्यों दे रहे हैं मुझे गाली नहीं दे रहे मैं तुम मुझे गाली रही उसमें मैंने तुमसे गलत तो बोला तुम प्यार से पूछ रहे हो ग्रुप में ग्रुप में डालो नहीं तुम गाली क्यों दे रहे हैं मुझे गाली नहीं दे रहे ऐसी बोली बेचेंगे तुम ऐसी डाल रही वहां पे आ रही है नहीं हमसे कछु डाल रहे हो तुम गाली क्यों दे रहे हो गाली नहीं दे रहे हो मार दो डिलीट मार देते पर गाली क्यों दे रहे हो मुझे तुम ना गाली नहीं दे रहे तो का डाल रही हो गाली क्यों दे रहे हो मुझे ये बता मैंने तुम्हारा क्या ले लिया है क्या ले लिया है तुम मारा महाराणी साहब के मारा साहब के उसमें मन डालो मेरे बने के ग्रुप में डालेंगे ग्रुप में डालिए महारानी के ग्रुप में तो जामे विराट ग्रुप में आ रही है बाबा न्यूज में तो तुम क्यों डाल रही हो मेरा ग्रुप है मैं अपने ग्रुप में कुछ भी कर सकती हूँ पहले तो शुभ का ग्रुप है सुबंध का ग्रुप है उसमें सब का ग्रुप है इसमें ये पत्रकार भी जुड़े हैं हम भी जुड़े हैं उसमें मामे सारे जुड़े हैं तो तुम मुझे प्यार से तो कैसे होते हो ट्वीट का प्यार से हो जा मैं ऐसा है इसमें इतना मत करो हम भी तुम्हारे साथ अभी तुम्हारे साथ चलेगी मेरे से गाली क्यों दे रहे हो जो बताओ पहले मैंने क्या ले लिया तुम्हारा अरे गाली दिया है मैंने दिया है क्यों दे रहे हो गाली मुझे ना ऐसा तुम अकेली रह जाओगे उसमें अरे मारोगे क्या मुझे मारोगी मुझे ना हम मारने मारना रहे ऐसा मारो सब मारो सबको मारने का इरादा है तो अबे डाला था तुमने भी मारने का इरादा है कट रही है टिकट कट रही है उसमें चल रही है तो हमने भी डाली है ऐसा है मारा था महारानी साहब को मत बिगाड़ो हम तुम्हें बता रहे हम सुनो हम तुम्हें बता रहे सही बात है उसमें
सही बात है। हाँ और तुम मुरा उखाड़ो तो हम उखाड़ लीजियो, तुमने सुबंध को उखाड़ ला, पत्रकार तुम हो, हम पत्रकार है, चुपचाप रहो नहीं ऐसा सी मत जाए, हम तुम बताए रहे कमलेश गहलोत है, मैं पत्रकार हूँ, फास्ट न्यूज इंडिया चैनल में काम करती हूँ, और मैंने कल कवरेज भी की, रानी पच्चाल का विधायक की जो रैली निकली थी उसकी भी कवरेज की गई थी, और फिर उसका एक पोस्ट आया था ग्रुपों में, समाचार लाइव 24 में ग्रुप में पोस्ट आया, तो वो मैंने शेयर किया अपने ग्रुप में। इतने में रानी पच्चाल का जो कार्यकर्ता था उसने मेरे को फ़ोन किया कि आपकी हिम्मत कैसे होगी इसको शेयर करने की, मेरे से बहुत बत्ती बत्ती मेरी माँ बहन की गाली थी, उसने जान से मारने की धमकी भी दी कि तू क्या कर लेगी, तेरी हिम्मत कैसे होगी इसको शेयर करने की। तो मैं थाने आई हूँ आज, पिनाड थाने में मैं तैयारी देनी है, मैं चाहती हूँ कड़ी से कड़ी इस बंदे के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, इसने मुझे आज मेरे साथ हो रहा है, कल और आम जनता है, आम बेटियाँ हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा क्या, मैं कार्रवाई चाहती हूँ। आपने थाने में तैयारी दी? हाँ मैंने अभी थाने में। पुलिस क्या आश्वासन दे रही है आपको? पुलिस ने कहा है हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा है मुझे, वो गाली दे रहा है।